video we'll be studying optical activity. And this topic is very important from examination point of view, whether it's IIT JAM, CSIR NET or KIT. ठीक है, तो इसमें टॉपिक किस तरह से आते हैं? बेसिकली आपको क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, उसमें बताना होता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिवन इन द क्वेश्चन आर ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, तो आपको क्या दिया होता है, 4-5 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको बताने होते हैं. जैसे गेट में स्पेशली अभी 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें 4-5 मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे और हमें बताना था इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं. ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके नेट और गेट में भी आते हैं, मतलब जैम और नेट में भी आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाती हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली पता लगाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है पोलैरिमीटर. ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसको हम डाल, जो हमारा सॉल्यूशन है मॉलिक्यूल का उसको हम डालते हैं उसके अंदर, और फिर क्या होता है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से पास करते हैं. ठीक है, अब लाइट पास करने से क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो वो क्या करेगा, जो लाइट हमने पास करी है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, मतलब उसको रोटेट करेगा इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब एक की तो सिर्फ ये तो नॉर्मल है, थियोरी वाला पोर्शन है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता किसी एग्जाम में, बट ये है आपकी जनरल नॉलेज के लिए. कई बार क्या होता है, स्पेशली प्रैक्टिकल वाइवास में या फिर इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सपोज करो कोई मॉलिक्यूल लाइट को और मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है या क्लॉकवाइज करने वाला है. देखो अगर क्लॉकवाइज करता है तो हम प्लस लगाते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी ना जितना रोटेट करेगा, सपोज प्लस 65 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री पे उसने क्या किया, उसको रोटेट किया. ठीक है, प्लस 65 डिग्री, इसका मतलब क्या है, उस मॉलिक्यूल ने जो भी हमने डाला हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो लाइट को क्या कर रहा है, 65 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, और माइनस का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब क्वेश्चन ये बार ये पूछते हैं कि हम सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पे ये कोई मॉलिक्यूल है, ये एच सी एच थ्री और सपोज यहाँ पे ये लगा हुआ है. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, इस पे क्या है, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए. ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि जैसे सपोज करो मैं कोई निकाल नहीं रही, मैं वैसे मान रही हूँ कि सपोज करो ये आर है. ठीक है, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है, आर. तो क्या आप आर को देख के ये बता सकते हो कि मतलब देखो हम आर के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं फिर इसकी डायरेक्शन जब हम प्रायोरिटी देते हैं, तो अगर क्लॉकवाइज आए तो हम उसको बोलते हैं वो आर है. ठीक है, लेकिन यार क्लॉकवाइज आने का मतलब और आर होने का मतलब ये है कि उसको प्लस, मतलब वो प्लस ही आएगी उसकी वैल्यू, क्या उसको मतलब वो लाइट को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नहीं ऐसा नहीं है. जो आर वाला मॉलिक्यूल है वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है लाइट को और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, तो आर और एस का रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली आता है, हम किसी मॉलिक्यूल को देख के उसका आर एस निकाल के ये नहीं बता सकते कि वो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरह से रोटेट करेगा. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली पता लगाते हैं, वैसे नहीं बता सकते. हम थ्योरेटिकली क्या करते हैं, हम सिर्फ उसकी आर और एस कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक है. उसके बाद क्या है, आप कैसे देखोगे कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है. ठीक है, अलग अलग तरह से लिखा होता है बुक्स में, बट जो नेसेसरी कंडीशन है वो सिर्फ एक ही है, दैट द मॉलिक्यूल शुड हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी हम मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो दैट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल. ठीक है, सिर्फ यही एक कंडीशन है, बाकी सारे क्या होते हैं, इसी के सब पार्ट्स होते हैं. जैसे कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन में चार डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा. लेकिन ऐसा हर केस में, मतलब हर केस में ये स्टेटमेंट सही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है ये वाला. ठीक है, यहाँ पे जो एक कार्बन है इस तरह लगा हुआ है COOH, एक H, एक OH और एक ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है. ठीक है, तो ये क्या है, वैसे तो होने चाहिए कि कार्बन के चार डिफरेंट ग्रुप है तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता क्योंकि ये क्या कर जाता है, अपनी अगर इसकी हम मिरर इमेज ड्रॉ करें तो उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा. ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताती हूँ, बट आप सिर्फ इतना ध्यान रखो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज है उसके ऊपर वो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए. ठीक है, और इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, आप दो चीजें देखोगे, आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन है आपको पता लगाना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो आप ये ध्यान रखोगे कि हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे वो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है. ठीक है, उसके लिए दो कंडीशन है. आप पहले मॉलिक्यूल में डायरेक्ट एक तो मेथड है कि आप उसकी मिरर इमेज बनाओ फिर उसको रोटेट करके फिर उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा. एक सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है जो आप एग्जाम में फॉलो कर दो, क्योंकि टाइम से होगा इससे. इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल में POS नहीं होना चाहिए. POS मतलब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और दूसरा क्या है
सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या होगा, अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है। तो आपको हर मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बना के उसको रोटेट करके उसको उस पर सुपर इम्पोज करवाने की कोशिश नहीं करनी एग्जाम में, बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, आपका पेपर छूट जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप सिर्फ क्या करोगे, जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है बस आप उसमें चेक करोगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा अपनी मिरर इमेज पे, वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जिसने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी है या जिसको आइडिया नहीं है पीओएस का, प्लेन ऑफ सिमेट्री का, तो मैं आपको बता देती हूँ हम देखते कैसे। सपोज करो मैंने यहाँ पे ना कोई मॉलिक्यूल बनाया, सपोज ये इस तरह का मैंने कोई मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, या फिर चलो हाँ इस तरह का मैंने कोई मॉलिक्यूल बनाया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे ये CH2 लगाया है, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे रखिए। मैंने आपसे पूछा है ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप सिर्फ ये देखोगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तरह के मतलब इमेजिनरी हम प्लेन डालते हैं, मतलब क्या हो रहा है ये पूरा मॉलिक्यूल है। एक और बात, जब आपको ग्रुप दे रहे जैसे CH2 है ना, आप कंसीडर करो ये कोई बॉल है, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाओ, मैं COOH SO3 कुछ भी हो, आप उसको मान लो कुछ इस तरह के भी कोई बोल लगी हुई है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है मतलब कोई बोल लगी हुई है, इसको ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है। अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, इसको सेंटर से कट करके देखते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे प्लेन डाल दिया यहाँ पर एक ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, जितना पोर्शन इस साइड है वही उतना उस साइड भी है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, जो कि क्या होता है आपस में बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सपोज करो ये डस्टर है, ठीक है, इसमें मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री देने में क्या करूंगा, इसको यहां से काट दूंगा, जैसे ये वाला पोर्शन है, जैसे ये वाला पोर्शन है उतना ही यहां पे भी होगा वही वाला पोर्शन। तो इसके लिए मैं आपको कैसे बताऊंगी, जैसे सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री का डीपर आइडिया नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं इसको ऐसे सेंटर से कट कर लो, तो ये कैसा दिखेगा, एक पोर्शन ऐसा दिखेगा और एक पोर्शन ऐसा दिखेगा, तो एग्जैक्टली दोनों सेम है ना, दूसरे की क्या है मिरर इमेजेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट से आपको समझा दूँ, सपोज ए लिखा हुआ है ये, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। एक सबसे पहली बात, अगर कोई कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको गिवन हो, आप देखोगे उसके सारे एटम्स प्लेन में है या नहीं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसके अगर सारे एटम्स प्लेन में है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। जैसे सपोज करो ये, इसमें क्या है, अब एक तो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे और ये क्या होगा ऐसे, ये दोनों क्या है दूसरे की मिरर, अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा दूसरे तरह, ठीक है। एक तो ये होता है, अगर कोई चीज प्लेनर होती है तो उसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा ही प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज करो ये है डस्टर, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कुछ लगा भी दूं, सपोज मैंने यहाँ पे एक चोक लगा दिया और यहाँ पे सपोज करो एक और चोक लगा दू, इस तरह से मैंने चोक लगा दिया, आपको देखना है इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, ठीक है। एक तो आप उसको सेंटर से कट कर दोगे, ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से कट करो, यहां पर इसके ऐसे हॉरिजॉन्टली आपको कट करने के लिए बोल रही, तो जितनी ये प्लेनर चीजें होंगी, जैसे सपोज यहां पर इस तरह से कुछ है, ये एच है, यहां पे COOH है, Br है, क्लोरीन है, ठीक है। अब ये क्या होता है, sp2 है, sp2, ठीक है, इनका हमने हाइब्रेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स होते हैं मैंने आपको बोला है, आप उसको सब इमेजिन कर लो, कोई भी ग्रुप हो से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या मान लेते हैं, सर्कल मान लेते हैं इस तरह से। तो ग्रुप आपको कैसा भी दिया हो, आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस तरह से मान लेते हैं हमें, तो भाई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब क्या है, ये सारे प्लेन में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इस तरह से कट कर सकती हूँ, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट इसके अंदर से प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे देखो, मतलब यहाँ से तो क्या होगा वर्टिकल इस तरह से, या फिर इस तरह से भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, सारे एटम से पास कर जाएगा प्लेन, तो जितने भी प्लेनर चीजें होती हैं उस समय तो क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होता ही है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं, और एक बात आती है, हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इसको हम बेटर वे में समझ सकते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एच लगाया, यहाँ सीएल लगाया है, यहाँ पर बीआर लगाया है, इसमें आपको देखना है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल के सेंटर में यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो जैसे एस्ट्रिक होता है ना अपना ऐसे करके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज ये मॉलिक्यूल का सेंटर है तो ऊपर की साइड मूव करेंगे, जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेंगे जो ग्रुप यहां पर होगा वो ग्रुप यहां पर भी होना चाहिए,
ठीक है, या फिर इसको हम डायगनली मूव करते हैं तो जो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो ग्रुप यहाँ पर भी प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसे ही इनके लिए भी वैलिड है। अगर हम लेफ्ट साइड मूव करें जो भी ग्रुप आएगा वही ग्रुप हमें राइट साइड मूव करने पे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं, अब क्या करते हैं, ये सेंटर से मिलते हैं, सपोज मैं इसको लेफ्ट साइड मूव करना स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे मैंने मूव किया, यहाँ पे आ गया कार्बन, यहाँ से मूव किया यहाँ आ गया कार्बन, ठीक है, तो ये तो वैलिड हो रहा है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ऊपर की साइड मूव करती हूँ, यहाँ पर मुझे कोई मॉलिक्यूल कोई ग्रुप नहीं मिला, यहाँ पे भी कोई ग्रुप नहीं मिला। अब मैं क्या करती हूँ, डायगोनली मूव करती हूँ ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्या मिला एच और यहाँ भी क्या है एच, तो इसके लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ से तो हमें दिख रही है। अब हम बाकी के लिए चेक करते हैं, सिर्फ एक से नहीं होता, सब में होना चाहिए। जैसे सपोज इस डायगोनल से मूव करते हैं, यहाँ पर क्या मिला ब्रोमीन, और जैसे यहाँ पर आया क्या मिला ब्रोमीन, ऐसे ही इसके लिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्लोरीन मिल रहा है और यहाँ से हमें ये क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जहां पर आप जिस भी साइड मूव करोगे जितने भी डिस्टेंस पे, जैसे जिस हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पर जैसे सपोज 1 2, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पर 1 -1 -2 है, तो यहाँ पर आप अभी इतना मूव कर रहे हो तो जो -2 पे जो भी प्रेजेंट है वो 2 पे भी प्रेजेंट होना चाहिए, डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये देखो, ये वाला मॉलिक्यूल मैं आपसे पूछती हूँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो इसके लिए एक तो ये है कि आप क्या करोगे, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करोगे, फिर देखोगे वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं। आपको सुपर इम्पोज का मतलब समझ आ रहा है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये एच है, यहाँ पे मैंने एच लगा दिया, ये ओ एच, ये सी एच ओ, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर ये एच है, यहाँ पर ये ऐसे एच दिखेगा मिरर में, ये वाला एच यहाँ पर दिखेगा, ये ओ एच, ये सी एच ओ, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी मिरर इमेज, सपोज करो मैंने ये मिरर लगाया हुआ तो ये मिरर में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, उसको उठा के इसके ऊपर अगर रखूंगी तो क्या होगा, एच को एच, ये एच इस एच पे आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला एच इस एच के ऊपर आ जाएगा, ये ओ एच यहाँ आ जाएगा और सी एच ओ यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या करेगा सुपर इम्पोज, मतलब इसको ऊपर अगर हम रखते हैं इसको तो हमें पता नहीं चलेगा ये एक मोलिक्यूल है, इसके नीचे भी कोई मोलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अब जो ये फिशर वाला केस होता है, इस केस में सपोज करो मैं यहाँ पर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी यहां से देखना, मैं काइरल मॉलिक्यूल ड्रो कर रही हूं यहां पर, जिसके मैं 4 डिफरेंट ग्रुप लगा रही हूं इस तरह से, यहां पर मैंने एच लगाया है, यहां सीएल लगाया है, इधर ओएच लगाया है, या सपोज करो मैंने क्या किया, इसको यहां बीआर लगा दिया और ये ओएच लगाया, इस तरह से मैंने इसको किया, ठीक है। आपको देखना है इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे जो कार्बन है सेंटर वाला, इसके 4 ग्रुप हैं OH, H, BR, CL, यहाँ पे देखोगे इसके भी 4 ग्रुप हैं OH, H, BR, CL, ठीक है। तो ग्रुप्स तो सेम है, ठीक है, मतलब ये है तो एक ही मॉलिक्यूल, बट इसको अलग तरह से हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसकी मिरर इमेज है भी या नहीं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, हाँ, अब आप चाहते हो इसको आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखो तो क्या हो सकता है, आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट तो कर सकते हो बट इसके बोन्स नहीं ब्रेक कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बोन्स ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से इसको एच को हटा के यहाँ लगा लिया, लेफ्ट साइड पे इसको हटा के यहाँ लगा लिया, ऐसे नहीं कर सकते, बट आप रोटेट कर सकते हो इसको। रोटेट कैसे करोगे, रोटेट भी सिर्फ प्लेन में ही पॉसिबल है, मतलब या तो इसको इस तरह से घुमा दो ऐसे करके, मतलब बी आर ऊपर से आ जाएगा ओएच नीचे आ जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री से घुमा दो उसको, ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, मतलब आप सिर्फ प्लेन में ही इसको रोटेट कर सकते हो, ऐसे नहीं होगा कि आपने इसको यहां से पलट दिया, ऐसे नहीं पलट सकते, सिर्फ प्लेन में रोटेट कर सकते हो इस तरह से कि जो सबसे ऊपर वाला सबसे टॉप पोजिशन पर ग्रुप है वो नीचे आ जाए और डायगोनल्स जो है आपस में एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में किस तरह से रोटेशन आपको मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, हमें बताना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आप देखोगे यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको सेंटर से कट कर दूं यहां से तो क्या है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि देखो ये ग्रुप ऊपर की साइड में दिख रहा है तो मिरर में एक्जैक्टली ये वाला ग्रुप भी हमें ऊपर की साइड दिख रहा है, उसमें क्या है पीओएस, और अगर इसमें पीओएस है तो ये क्या होगा अपनी मिरर इमेज में सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है, और सुपर इम्पोज करेगा तो क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये क्या है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं, इसमें देखो मैंने वो क्या, अगर आप इसमें देखोगे तो क्या है आप इसमें यहां से कट कर दो तो मिरर प्लेन तो इसमें है, ठीक है, मिरर ऑफ प्लेन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, तो ये क्या होगा अपनी अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगी यहाँ पर देखूंगी सी एच टू यहाँ भी सी एच टू इधर सी एच टू सी एच टू इधर जा रहे तो क्या मिलेगा हमें सी एच थ्री इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा सी एच थ्री, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से ड्रॉ करूं
यहाँ पर मैंने सी एस थ्री लगाया और यहाँ पर भी सी एस थ्री लगाया इस तरह से, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है क्योंकि ये सेंटर से तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था जब ये वाला मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया था इस तरह से, तो जो ग्रुप एच यहाँ पर है तो ये नीचे होना, अगर एक ऊपर है तो ये नीचे की साइड होना चाहिए, यहाँ पे क्या है दोनों ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें तो पीओएस भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है, इसमें पीओएस तो है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और हमें ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव देखने के लिए अगर कोई एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें है, तो वो क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, आपको दोनों देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक भी दिख रहा है तो आप उसको मार्क करो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, तो ये तो इनकी बात थी। अब अगर आपको कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, सपोज ये या फिर इस तरह का मॉलिक्यूल, अब अगर आप देखोगे आपसे पूछा हुआ है जो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये आपस में क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो आप सबसे पहले क्या देख रहे हो कि जो ये मॉलिक्यूल है ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेंटर में मिरर लगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपको बताना क्या है कि ये आपस में सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है एच, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है ओ एच, तो अगर इसमें मैं इस मॉलिक्यूल को जैसे ये है ऐसे का यहाँ पर रखूंगी तो क्या होगा ये एच जाएगा इस ओ एच के ऊपर, क्योंकि जब हम रिप्लेस करते हैं लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले पे ही जाता है, ठीक है, तो एच जाएगा ओ एच के ऊपर, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा क्योंकि सुपर इम्पोज करने के लिए क्या होना चाहिए एच है वो एच के ऊपर ही जाना चाहिए, तो इस तरह से तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसे आप नहीं बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि हमें क्या कर रहा है यहां से अगर हम उसको कट करेंगे तो इसमें क्या है मिरर प्लेन, यहां से इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो ये क्या है मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, बट आप उसको इमेज से अगर आपको समझाऊं तो आप कैसे करोगे, देखो जैसे ये है अच्छा यहाँ पर यहाँ ओ एच, अब आप इसको किस तरह से रोटेट कर सकते हो, सिर्फ एक ही तरह की रोटेशन पॉसिबल है, वो कैसे कि आप इसको 90 डिग्री रोटेट करो, 90 डिग्री कैसे, इसको मतलब जैसे ये जो ऐसे है ना, सपोज करो इसका ये वाला बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड है इसको ऐसे कर दो, ऐसे है इसको ऐसे कर दो, तो 90 डिग्री रोटेशन होगी, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल बॉन्ड है इसको ऐसे कर देंगे, तो ये किस तरह से हमें दिखेगा, ये सी ओ एच नीचे आ जाएगा और ये ओ एच ऐसे था ना उसको मैंने ऐसे कर दिया है, तो ये ओ एच क्या करेंगे ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसे एच यहां रहेंगे और यहां पर रहेगा सी ओ ओ एच, ठीक है, ये तो हुई 90 डिग्री रोटेशन, में करनी कितनी है 180 डिग्री रोटेशन, हम क्या करेंगे इसको फिर से एक बार 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ऐसे था मैंने ऐसे किया, मैं सोचा करूँ एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे था एंटी क्लॉक वाइज ऐसे किया, एक बार फिर से ऐसे कर देंगे, ऐसे था ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब ये वाला पोर्शन ऊपर की साइड जाएगा यहाँ पर सी ओ एच, ये वाले अब क्या करेंगे इस साइड आ जाएंगे ये एच और ये एच, तो देखो मैंने इसको क्या किया है 180 रोटेट किया है, और ये अभी किस तरह से दिख रहा है इसको देखो और इसकी मिरर इमेज को देखो क्या है दोनों सेम है, तो अब इसको रोटेट करने से अगर मैं इसके ऊपर रखूंगी तो क्या हो जाएगा सुपर इम्पोज, ठीक है, सुपर इम्पोज होने की वजह से क्या है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही वैसे हमें दिखे रहे, और जो सुपर इम्पोज भी अगर हो गया तो वो क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, अब देखो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि उसको आप बार बार 90-90 करके रोटेट करके देखो, तो अगर आपको रोटेट करना भी पड़ रहा है सपोज अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखता आप नहीं देख पा रहे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये है हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के लिए आपको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक मेथड है कि डायगोनल्स को चेंज करो, मतलब देखो जैसे ये है जो ऊपर वाला ग्रुप है, मतलब आप क्या करना है तो आपको बॉटम कर दो, सबसे पहले टॉप को बॉटम कर दो और बॉटम को टॉप कर दो, तो मतलब जो ये वाला ग्रुप है अगर मैं उसको वन मान लू और ये वाला टू मान लू तो आपको क्या करना है इसको चेंज करके टू को ऊपर ले जाना है सी ओ एच टू और इस वाले को नीचे ले आना है, ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है इस वाले केस में हम क्या करेंगे तो डायगोनल एक्सचेंज करेंगे, इस वाले जगह पे इसको भेज देंगे, इस वाले जगह पे इसको भेज देंगे, सिर्फ ऐसे ओ एच को मैंने यहां ले आई इस वाले को, इस एच को मैंने यहां पहुंचा दिया, ओ एच को यहां लेंगे मैं और ये आ गई, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर वही आया तो आपने रोटेट करने के बाद आया है, ठीक है, तो अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखता है आप नहीं देख पाते हो तो आप करो जो उसकी मिरर इमेज बनाओ उसको रोटेट करके उसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर करने के क्या है ये वाले मेथड्स हैं, इस तरह से हम करेंगे,
जैसे आपने देखा ये है यहाँ पे लेफ्ट साइड में दोनों एज, जिसकी मिरर इमेज है उसमें राइट साइड पे है, तो आपको उसको रोटेट तो करना ही पड़ेगा। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टॉप है उसको बॉटम कर देंगे, बॉटम को टॉप कर देंगे जो भी ग्रुप लगा हुआ है, और फिर क्या करेंगे इनको डायगोनली इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे सी एस टी लगा दिया। ठीक है, इसकी मिरर इमेज क्या है, कैसे दिखेगी, जो राइट साइड पे है वो एक्चुअली में लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड पे है वो मिरर में क्या चले जाएंगे, राइट साइड पे, वो टॉप और बॉटम ऐसे कैसे रहेगा। अब आपको देखना है ये सुपर इम्पोजिबल एक दूसरे पे है या नहीं, आपको बता रहे ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। आप क्या करोगे, मिरर इमेज ड्रॉ करी, इसके ऊपर इसको रख के देखोगे नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एच है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ओएच है, तो ऐसे तो ये नहीं हो रहा। आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको रोटेट भी करके देखते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब उसको रोटेट करोगे तो सी एस थ्री ऊपर चला जाएगा और जो सी ओ एच है वो नीचे आ जाएगा, और फिर क्योंकि प्लेन तो हमें सी ओ एच ऊपर ही चाहिए, तो उसको हम रोटेट करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि सी ओ एच ऊपर ही है, उसको हम ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, तो ये बात है कि इसमें क्या होगा, ये आपस में दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, और ये क्या है फिर, ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। अब ये वाले देखो दोनों, अगर आपको बताया है ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, आप क्या करोगे इसकी मिरर इमेज, अब देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो सबसे पहले, अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत टाइम सेव होगा आपका। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखा है, अगर आप उसको सेंटर से कट करोगे यहां से, तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे ओ एच है, तो यहां से तो प्लेन नहीं है। मैं इसको यहां से कट कर दूं अगर, तो देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे ओ एच है, तो ये वाला प्लेन भी नहीं है और ये वाला प्लेन भी नहीं है। अब आपसे एक बार फाइनल चेकिंग के लिए क्या कर लो, मिरर इमेज बनाओ ऐसे करके, इसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो, इसके ऊपर रखोगे लेफ्ट साइड पे एच है, इधर ओएच है, तो ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज पे क्या है सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से तो हम देखते हैं, बाकी मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अब मैं लास्ट में क्या करवाने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट कमिंग वीडियोज में नेट और गेट के प्रीवियस से सोल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कैसे कैसे हुआ है, तो बाकी जितने आपके डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये तो अभी इतना ही था, मतलब एक और टॉपिक है कि इनेंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, आइडेंटिकल, ये सब एपिमर्स, एनोमर्स, ये सब हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आइसोमर्स के लिए, जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जो इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, बट वो नहीं पूछे जाते हैं, ना तो जैम में कोई पूछता है, ना फिर नेट या गेट में नहीं पूछते। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे बस क्या है कनेक्टिविटी जो होती है, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी कैसे बोल रही हूँ, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। जैसे सपोज करो एक ये मॉलिक्यूल है, एक ओएच यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखो एक ऐसी 1 2 3 4 5 इस तरह से एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक्जैक्टली सेम है, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी का क्या मतलब है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे ओएच है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है थर्ड कार्बन पे ओएच है, तो ये दोनों आपस में क्या है, क्योंकि कनेक्टिविटी इनकी डिफरेंट है, तो ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और जो हम बात करने वाले हैं, जो जहां से क्वेश्चन हमारे आते हैं, वो क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पर इसके सेकेंड टाइप होता है स्टीरियो आइसोमर्स, हमें यही स्टडी करना है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कनेक्टिविटी सेम होगी, कनेक्टिविटी सेम, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अभी आपको लग रहा है बट आगे क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाली है। तो ये क्या है स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है, मतलब जैसे सपोज करो मैंने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप स्टीरियो मेंशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने ओएच लिखा, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लगाया है, देखो कनेक्टिविटी सेम होने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं 1 2 3 4 हमें भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है 3 और 4 कार्बन CH2 CH3 CH2 CH3, जो सेकंड वाली कार्बन है उस पे कितने ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स तो लगे हुए हैं, एक क्या है OH, एक है H, एक है CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। इस कार्बन में भी अगर हम स्टीरियो को निगलेक्ट करें थोड़ी देर के लिए कनेक्टिविटी देखने के लिए, तो क्या लगा हुआ है, एक CH3 है,
एक OH है, एक H है, एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी वही सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी सेम, मतलब जो भी मोलिक्यूल है अगर उसके हम स्टीरियो अवॉइड कर दें तो वो दोनों में एक जैसे ही दिखेंगे। मतलब इस कार्बन पे क्या है, चार ग्रुप्स जो लगे वो भी सेम है, इस वाले कार्बन के भी चार ग्रुप्स सेम है। तो स्टीरियो आइसोमर्स के केस में क्या होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है। अब इसके भी दो सब टाइप्स हैं जो कि हमें भी पढ़ने हैं। हाँ, अब ये क्या होते हैं, अब आप क्या करोगे, जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है उसका आप क्या करोगे, क्या चेक करोगे कि आप जो भी आपको दो मॉलिक्यूल्स दिए होंगे उनसे पूछा होगा कि वो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स तो है लेकिन किस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। या फिर दो आपको आइसोमर्स दिए हैं, आपको बताना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं या फिर स्टीरियो आइसोमर्स हैं। जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे उनकी कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कनेक्टिविटी सेम नहीं है तो आप उसको मान लोगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अगर कनेक्टिविटी सेम है तो आप क्या करोगे, वो है स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स भी दो तरह के होते हैं, कौन से, एक तो होता है इनेंशियोमर्स, एक होते हैं डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों मॉलिक्यूल्स को देखोगे क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, मिरर इमेज जो भी तो आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इसका रिलेशन आपको बताना है, आप चेक करोगे क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, या तो वो होंगे मिरर इमेजेस या फिर नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो नहीं है मिरर इमेजेस, अगर वो नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे, वो क्या है, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। मतलब आपको जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं सबसे पहले आप कनेक्टिविटी चेक करोगे, फिर चेक करोगे वो आपस में मिरर इमेजेस है या नहीं है। अगर नहीं है मिरर इमेजेस तो डायरेक्टली आप लिखोगे वो क्या है, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। और अगर वो मिरर इमेजेस हैं, फिर यहाँ पर फिर दो केस बनते हैं, किस तरह की है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। मतलब अगर वो दोनों मिरर इमेजेस हैं तो आप चेक करोगे वो या तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, ठीक है। अगर सुपर इम्पोजिबल है तो वो क्या होगी, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक ही हैं। और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर दो मिरर इमेजेस में अब दो मॉलिक्यूल आपस में अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, वो क्या होता है, इनेंशियोमर्स, बस आपको इसी तरह से देखना है, ठीक है। मतलब सपोज आपको कोई भी दो मॉलिक्यूल्स दिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखते, एक ये है, एक आपको दिया है H Cl Cl H। मैं आपसे पूछ रही हूँ ये दोनों मॉलिक्यूल, नहीं मैं यहाँ पे यही नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको ये A है और ये B है, ठीक है। आपको बताना है A और B में क्या रिलेशन है, ये किस तरह के आइसोमर्स है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों आइडेंटिकल है, डायस्टीरियोमर्स है या फिर इनेंशियोमर्स है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, देखो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन पे लगा हुआ है Cl और H, इस वाले कार्बन पे क्या है Cl और H, इस वाले कार्बन पे भी क्या है H और Cl, H और Cl, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी तो सेम है। जो ग्रुप इस कार्बन पे लगे हुए हैं वही एग्जैक्टली इस कार्बन पे है और जो ग्रुप इस पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप्स तो सेम होगी, तो ये क्या है, कनेक्टिविटी सेम है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो ये नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केस में क्या होता है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करती हूँ ऐसे, एच बी आर सी एल एच, तो अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, सीएल और एच, सीएल और एच, लेकिन इस कार्बन पे क्या है, एक एच है, एक सीएल है, यहाँ पे एक एच है और बी आर है, यहाँ पे कनेक्टिविटी सेम नहीं है, क्योंकि एक तो ग्रुप पूरा ही डिफरेंट आ गया, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, ये ए और सी, ये आपस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखो, दोनों सेम तरह से लगे हुए हैं, जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन किस तरह के हैं वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों के मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। देखो अगर ये मिरर इमेजेस होते तो देखो ये एच है तो यहाँ पे दिख रहा है ये एच है, लेकिन यहाँ पे ये सी एल है और यहाँ पे एच है, तो ये दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये क्या हो गए, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स। अगर हम वैसे देखें तो ये क्या है, ये है ट्रांस और ये क्या है, सिस। तो मतलब क्या हुआ कि जो सिस और ट्रांस होते हैं वो भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं, सिस, क्योंकि हम जो पढ़ते आ रहे हैं अपनी बीएससी लेवल से
कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं सिसोट्रांस वो क्या होते हैं डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी सेम होती है वो और एक दूसरे के कभी भी मिरर इमेजेस नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो क्या है डायस्टीरियोमर्स। तो अगर आपको आपसे कोई बोले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं तो डायस्टीरियोमर्स ही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब सिसोट्रांस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको बताना है अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिलेशन आपको बताना है। एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है ये वाला मॉलिक्यूल। देखो अब आपको ये तीन मॉलिक्यूल्स की मैंने, ठीक है, आपको क्या बताना है इन तीनों में क्या रिलेशन है। मैं सपोज ए बोल रही हूं, दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है, आपको इन तीनों का रिलेशन बताना है। सबसे पहले क्या कहते हैं ए एंड बी देखते हैं, ए एंड बी देखो चेक करना शुरू। सबसे पहले हम क्या करेंगे वही फिर से स्टेप्स रिपीट करेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे। तो यहां पर क्या है देखो CH3, यहां पर भी CH3, नेक्स्ट कार्बन पे क्या है HCl HBr और नेक्स्ट पे HBr HCl और लास्ट में COOH सेम। अब आप क्या देख रहे हो ये दोनों तो सेम है, यहां पर ये दोनों सेम है, ये दोनों एच भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे सीएल होना चाहिए था लेकिन क्या है ब्रोमीन। तो इस वाले कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो क्या है डिफरेंट, यहाँ पर एक सीएल है जबकि यहाँ पे एक ब्रोमीन है। तो ये दोनों आपस में क्या है कनेक्टिविटी सेम नहीं है, तो ये क्या है ए एंड बी आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ये डायस्टीरियोमर्स नहीं है क्योंकि डायस्टीरियोमर्स के लिए क्या होना चाहिए कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ए और सी, तो अब हम देखेंगे ए और सी का रिलेशन, ठीक है। तो ए और सी देखते हैं CH3 CH3 COOH COOH HCl HCl HBr और यहाँ पे BrOH, ठीक है। तो कनेक्टिविटी तो सेम है, ठीक है, कनेक्टिविटी सेम है मतलब क्या होंगे या तो इनेंशियोमर होंगे, मतलब ये क्या है स्टीरियो आइसोमर्स है, ये बात तो पक्की है। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब यहाँ पर ले लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, लेकिन अब किस तरीके स्टीरियो आइसोमर्स है वो हम कैसे चेक करेंगे मिरर इमेजेस से। क्या ये दूसरे के मिरर इमेजेस है, चेक करो सीएल यहाँ पर लगा हुआ है जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट बन जाता है, तो ये लेफ्ट साइड पे तो ये राइट है और ये जो राइट साइड पे है वो क्या है लेफ्ट साइड पे, मतलब ये क्या है दूसरे की मिरर इमेजेस तो है। अब अगर मिरर इमेजेस है तो चेक करेंगे सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है, अगर सुपर इम्पोजिबल होंगे तो वो आइडेंटिकल ही हो जाएगा मॉलिक्यूल, और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे तो क्या होगा इनेंशियोमर्स, चेक करते हैं। अगर मैं उसको यहां से उठा के यहां पर रखूं तो क्या हो जाएगा जो ये एच है वो इस सीएल के ऊपर जाएगा, तो मतलब क्या हुआ ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो ये किस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनेंशियोमर्स। ठीक है तो ये ए और सी आपस में क्या हो गए इनेंशियोमर्स। और हम चेक करते हैं बी एंड सी, CH3 यहाँ पर है CH3 यहाँ है, यहाँ पे HBr यहाँ पे HCl, तो ये क्या है कनेक्टिविटी की डिफरेंट हो गई, कनेक्टिविटी डिफरेंट मतलब क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है बी एंड सी ए एंड बी आर कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिजो कंपाउंड्स, जो मैं मिस कर गई थी पहले वाली वीडियो में, इसमें कवर कर लेते हैं मिजो कंपाउंड्स। मिजो कंपाउंड्स के लिए होता है दो कंडीशंस होती हैं, एक तो शुड हैव मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर्स, सिमेट्रिक सेंटर्स, और सेकेंड क्या है शुड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एक और बात जो मिजो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज करो
मैंने यहाँ पर लिखाई हुई है मॉलिक्यूल इस तरह से मैंने लिखा है CH3 यहाँ पर मैंने लिखा है एफ सपोज मैंने लिखा है CH3 सो देखो यहाँ पर कितने एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं यहाँ पर क्या होगा एक H होगा ठीक है तो एक तो ये एसिमेट्रिक सेंटर होगा क्योंकि यहाँ पे चारों के डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं ऐसे ही अगर यहाँ पे H भी होगा तो ये भी क्या है एसिमेट्रिक सेंटर तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है शुड हैव मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर वो तो इसमें है क्योंकि दो है दो एसिमेट्रिक सेंटर्स है ठीक है अब हम देखते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है या नहीं है अगर मैं इसको यहां से कट करूं यहां से सेंटर से डालू तो ये क्या है ये जो CH3 क्या है अबव द प्लेन और जो ये CH3 क्या है बिलो द प्लेन तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या है ये मेसो कंपाउंड नहीं है ठीक है अब एक नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट को देखते हैं हम ऐसे अभी मैं ऐसे कर लू अब देखो एक ये एसिमेट्रिक सेंटर है क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन में ये भी एसिमेट्रिक सेंटर है तो मोर देन टू एसिमेट्रिक सेंटर्स हो गए उसको भी मैं सेंटर से कट करती हूँ तो ये क्या है ये भी CH3 ऊपर की साइड ये भी CH3 ऊपर की साइड दोनों एच नीचे की साइड यहाँ पे क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है तो ये क्या है मेसो कंपाउंड और ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव ठीक है तो इस तरह से हम क्या देखते हैं मेसो कंपाउंड ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल ऐसा कुछ नेक्स्ट में भी आया हुआ है तो जब हम करेंगे तब देख लेंगे बट शायद कुछ ऐसा है एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है हमें बताना है क्या ये मेसो कंपाउंड है तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे इट शुड हैव मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर्स तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ देखो इस तरह से कुछ है यहाँ देखो क्या है इसमें इस पे चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए तो ये क्या है काइरल सेंटर इसमें भी चार डिफरेंट ग्रुप है ये भी काइरल सेंटर इस पे क्या है तो ठीक है ये वाला काइरल सेंटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है दो ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट ये कार्बन के साथ एक एच लगा हुआ है एक एच एक ओएच तो ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है ये है तो मोर देन वन बोला था ना तो एसिमेट्रिक सेंटर्स तो इसमें है मोर देन वन और हम देखेंगे POS अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं सेंटर से तो क्या होगी दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे OH ऊपर की साइड है यहाँ पर भी OH ऊपर की साइड है ठीक है तो इस सारे केस में भी क्या है मेसो कंपाउंड है ठीक है ये वाला कवर हो गया आपका और एक होता है एपिमर्स एंड एनोमर्स ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का एपिमर्स एंड एनोमर्स ये दोनों क्या होते हैं मतलब ये क्या है डायस्टेरियोमर्स के ही टाइप है अगर आपसे पूछा जाए कोई दो मॉलिक्यूल्स आपस में एपिमर्स हैं तो उनमें क्या रिलेशन होगा कोई भी दो एपिमर्स आपस में मतलब क्या होते हैं डायस्टेरियोटॉप्स भी होते हैं ठीक है डायस्टेरियोमर्स भी होंगे ठीक है तो ये वाली बात तो पक्की है कि एपिमर्स भी क्या होते हैं डायस्टेरियोमर्स और एनोमर्स भी क्या होते हैं डायस्टेरियोमर्स ठीक है अब इसके लिए हम क्या करते हैं ये जनरली जो ये वाला नोमेनक्लेचर है एपिमर्स और एनोमर्स का ये जनरली कहां यूज होता है शुगर केमिस्ट्री में जैसे सपोज मैंने यहां पर लगाया HOH OHH CH2OH मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने सेकंड वीडियो में आपको करा थी आरओएस मैंने बताया था कि शुगर केमिस्ट्री के लिए एक ट्रिक होती है कि अगर सीएच ऊपर है सीएच टू ओएच नीचे है तो अगर ओएच राइट साइड पे तो क्या होती है कॉन्फिगरेशन आर इसकी होती है राइट साइड पे होता है तो एस ये आर ये भी एस ठीक है तो एपिमर्स वो जैसे सपोज कर मैं एक और डालती हूँ यहाँ पे एच ओएच एच ओएच तो ये क्या हो जाएगा आर और ये भी क्या हो जाएगा आर देखो एपिमर्स के केस में क्या होना चाहिए अगर आप आर और उसका एपिमर्स निकालने में क्या करोगे आप आर और एस नोमेनक्लेचर निकालोगे ठीक है सारे जितने भी एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं सबका निकालोगे एपिमर्स के केस में कोई भी बाकी सारे सेंटर्स सेम होंगे सिर्फ एक पे वेरिएशन आएगा जैसे यहाँ पर देखो ये आर है ये भी आर है ये आर है ये भी आर है ठीक है सिर्फ एक डिफरेंट है यहाँ पर ये एस है और एक आर है तो ये दोनों आपस में क्या है एपिमर्स किसी भी एक काइरल सेंटर पे जो ज्योमेट्री मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिफरेंट होगी तो वो क्या होता है एपिमर्स ठीक है अगर मैं यहाँ पे इससे ज्यादा भी ड्रॉ करूँ सपोज यहाँ पर ये है इस तरह से मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया
ये बोर्ड मैंने यहाँ पे ब्लू कर लिया है। इस तरह से इसका क्या करेंगे हम, ये आर है, एस आर आर। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही रैंडम ड्रॉ कर लूं, मैंने ये मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका हम आर से नाम लें फटाफट, ये आर है, ये भी आर है, ये एस, ये आर, ठीक है। अब हम दोनों का मैच करते हैं, देखो ये वाला सेंटर आर आर सेम है, आर और आर यहाँ पे सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एस है, ये डिफरेंट हो गया एस और ये आर, और यहाँ पे ये आर है और ये एस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मोर देन वन डिफरेंट हो गए, तो ये एपिमर्स नहीं है, क्योंकि एपिमर्स के केस में कोई भी एक कायरल सेंटर डिफरेंट होना चाहिए, बाकी सारे सेम होने चाहिए, तो ये एपिमर्स नहीं है। इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली क्या है, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं होंगे, मिरर इमेज भी क्या करेंगे, यहाँ पे OH होता है तो यहाँ पे H है, ये दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है। तो जिसमें एक से ज्यादा जो कायरल सेंटर्स है उसके कॉन्फिगरेशन अगर डिफरेंट आ रही है तो वो क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स। और अगर कोई एक सेम आ रही, मतलब एक डिफरेंट आ रही है, बाकी सारे सेम हैं, तो वो क्या होते हैं, एपिमर्स, ठीक है। अब एक रहता है एनोमर्स। एनोमर्स क्या है, एपिमर्स का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें जो एनोमेरिक कार्बन होती है, इसमें अगर सपोज कर मैं आपको इस तरह से कुछ दिखाती हूँ, ये जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स कराऊंगी ना तो डिटेल में बताऊंगी। या मैं ऐसे कुछ भी रैंडमली ड्रॉ कर लूं, इस तरह से कोई है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और फिर मैं यहां से कुछ रैंडमली ड्रॉ करती हूँ। देखो एनोमर्स के केस में क्या होता है, जो एनोमेरिक कार्बन होती है, एनोमेरिक कार्बन कौन सी, ये वाली जहां पर क्या है, हैवी एसिटिल बना हुआ, एक OH है, एक O और ये R ग्रुप है, तो जो ये वाली होती है एनोमेरिक कार्बन, इसको डिटेल में आपको कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में कराऊंगी, बट अभी सिर्फ इतना समझो कि जो बाकी के सारे सेंटर्स हैं वो क्या सारे क्या होंगे, सेंटर्स यहाँ पे OH है, यहाँ पे OHH, 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 HOH, HOH, CHOH, ये सब कुछ सेम है, डिफरेंट कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर OH ऊपर की साइड है और यहाँ पे OH नीचे की साइड है, तो क्या क्या होगा, इस वाले सेंटर पर अगर ये आर है सपोज, अब मैं निकाल नहीं रही हूँ डायरेक्ट उतार, अब मैं सपोज ये आर है तो ये क्या होगा, एस। तो ऐसे केसेस जिसमें सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है और बाकी सब सारे सेंटर्स पे सेम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स, ठीक है। जिसे आपके जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन तो अभी तक तो नहीं आया नेटवर्क गेट में, ठीक है, तो बाकी देख लेते हैं, जैसे अगर कभी आएगा तो आप कर सकते हो कि एनोमर्स के केस में क्या होता है, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे डिपेंड होती है, बाकी सब पे सेम होती है। एपिमर्स में किसी एक सेंटर पे क्या होती है, सेम होती है, किसी एक सेंटर पे सॉरी डिफरेंट होती है और बाकी सब पे क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये वाला आपका पोर्शन कवर होता है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री सीरीज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी उसमें कि जो प्रोटॉन्स हैं वो आपस में उनका रिलेशन क्या है, वो हेटरोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं या फिर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। हेटरोटॉपिक में क्या आएंगे, डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं या फिर एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन्स हैं, तो इस तरह से आएगा। और ये फिर आपको यूजफुल भी रहेगा जब आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपको एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार गेट 2019 में भी आया है, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ सिग्नल्स भी किसी मॉलिक्यूल में कितने आएंगे, उसका अगर हम प्रोटॉन एनएमआर लेते हैं या फिर कार्बन एनएमआर लेते हैं तो, ठीक है। बाकी इसकी सीरीज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 3-4 वीडियोस, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख लो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में तो ये सब करवाऊंगी, होमोटॉपिक डायट्रोप जिस तरह के भी हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अभी तक आए हैं वो सारे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, आप इतना सब करो, बाकी हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे।